हाय गाइस, वेलकम बैक। एज यू ऑल नो कि अब से कुछ ही दिनों में हमारा फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो रहा है, सो आई थॉट व्हाई नॉट शो यू गाइस सम सिंपल ट्रेडिशनल मेकअप लुक जो आप रक्षाबंधन, ईद या ऑफिस में होने वाले इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में वेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो में मेकअप, ज्वेलरी, आउटफिट सब बताने वाली हूँ। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट थिंग, लेट्स क्लिप आवर हेयर बैक। तो फर्स्ट मैं एनिक्स HD फोटोजेनिक कंसीलर इन द शेड कैरमल, उससे मैं डार्क सर्कल्स और एक्ने मार्क्स कंसील करूँगी। एंड देन यूजिंग रियल टेक्निक्स डीलक्स क्रीज ब्रश इसको ब्लेंड करना है। For foundation, I'll use L'Oreal True Match in the shade Golden Amber. मुझे ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए, मैं बस थोड़ा सा यूज़ करूँगी जहाँ पे मुझे लगता है मुझे कवरेज की ज़रूरत है। और एक डोम शेप बफिंग ब्रश लेके लेट्स ब्लेंड दिस आउट। फर्स्ट लेयर फाउंडेशन के बाद अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा और कवरेज चाहिए, जैसे कोई एक्ने स्पॉट्स हो कहीं पे, थोड़ा डार्कनेस हो, पिगमेंटेशन हो, तो आप दोबारा और एक लाइट लेयर का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बस थोड़ा सा और यहाँ पे, और फिर आई विल ब्लेंड दिस आउट। लाइट लेयर्स फाउंडेशन से आपका मेकअप लुक केकी नहीं लगेगा, नेचुरल लुक देगा और इसका वेयर टाइम भी ज़्यादा रहेगा। फॉर कंसीलर आई विल यूज़ मेबेलिन एज रिवाइन इन द शेड मीडियम। Pretty. Now let's blend this out. अगर आपको कंसीलर का अंडर आइज के लिए सबसे बेस्ट कवरेज चाहिए तो कंसीलर लगा के आप उसे एटलीस्ट 30 सेकेंड्स का टाइम दीजिए टू लेट इट ड्राई थोड़ा सा, और उसके बाद ब्लेंड करिए। कंसीलर को सेट करने के लिए आई यूज मेबेलिन फिट मी पाउडर इन द शेड 25 मीडियम। एंड रेस्ट ऑफ द फेस सेट करने के लिए आई यूज पैक प्रेस्ड पाउडर इन द शेड 7। आई शेडो के लिए मैं यूज करूंगी फॉरएवर 52 का ये आई शेडो पैलेट एंड दीज अदर कलर्स। क्रीज के लिए मैं यूज़ करूँगी ये वाला मरून शेड विद द मैक ब्रश 217। आई एम यूजिंग मरून बिकॉज मेरा आउटफिट भी मरून है, तो आई यूज दिस शेड आउटर कॉर्नर पे और क्रीज पे भी। अगर आपने फॉरएवर 52 के आई शेडो पैलेट्स नहीं यूज़ किए हैं then I highly recommend कि आप use करें। These are so well pigmented, they have amazing colors. Then I'm gonna take the same maroon shade and use it in the inner corner as well. So इससे एक subtle सा halo look आएगा। If you want आप ये look को थोड़ा deepen भी कर सकते हैं। So I'll use this red undertone वाला brown shade. I'll take it on the Pro Art PF08 brush. सेंटर ऑफ द लिड के लिए आई यूज दिस कॉपर शेड, ये फिंगर में लेके सेंटर ऑफ द आईलिड में टैप कर दूंगी। फॉर द लोअर लैश लाइन आई टेक द सेम आउटर कॉर्नर वाला मरून शेड ऑन अ स्मॉल पेंसिल ब्रश एंड स्मोक इट आउट। वही सेम पेंसिल ब्रश में आई टेक द डार्क ब्राउन शेड और सिर्फ आउटर पार्ट पे आई ब्लेंड इट। आईलाइनर के लिए आई यूज अ ब्लैक शैडो फ्रॉम द सेम पैलेट ऑन अ स्मॉल एंगुलर ब्रश और फिर इसको सिर्फ यहाँ पे प्लेस कर देना है।
आप चाहे तो ब्लैक लिक्विड आईलाइनर भी लगा सकते हैं। ब्रावोन हाईलाइट करने के लिए आई विल यूज शिमरी पर्ली कलर फ्रॉम द पैलेट ऑन सिग्मा E70 ब्रश। ब्राउज को फिल करने के लिए आई विल यूज सिवाना ओरिजिनल मेकअप पैलेट और उसमें से ये ब्राउन शेड आई टेक। Then I'll curl my lashes and put on some mascara. Inner corner highlight करने के लिए भी I'll take the same pearly shade and with my finger सिर्फ यहाँ पे I'll highlight. मैं ये सेट कंप्लीट करके I'll be right back. So हमारा आई लुक हो चुका है, now let's move back to the base. To bronze my face, I'll use LA Girl Pro Face Powder in the shade Chestnut. मैं यूज कर रही हूँ Pro Art PF 12 ब्रश ब्रॉन्जिंग के लिए। नोज को कॉन्टर करने के लिए भी मैं सेम ब्रश और पाउडर यूज करूँगी। For blush, I'll use Lakme Absolute Face Stylist Blush Duo in the shade Pink Blush. और highlight के लिए मैं use करूँगी Maybelline Master Chrome in the shade Molten Gold. लिप कलर के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो आप मरून लगा सकते हैं आपके आउटफिट और आई शेडो के साथ मोनोक्रोमैटिक, या तो मेरा फेवरेट न्यूड। फर्स्ट कॉम्बो के लिए आई हैव मिस क्लेयर पेंसिल इन द शेड 10 एंड लैक्मे एब्सोल्यूट लिपस्टिक इन प्लम स्पेल। न्यू लिप कॉम्बो के लिए मैं यूज़ करूँगी यूनिक स्टाइल लिप पेंसिल इन द शेड टॉफी और मैक लिपस्टिक इन द शेड ट्विग। सो गाइज माई मेकअप इज डन, आई क्विकली वेयर माई आउटफिट एंड शो यू गाइज। दीज आर द इयर रिंग्स आई एम गोना वेयर, ये मेरे आउटफिट के साथ परफेक्टली मैच होगा बिकॉज इसमें मरून बीड्स भी है। And for bangles, I'll wear these thin gold ones.